पिता एक ऐसा शब्द जो हर एक की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि माँ को पेड़ की छाया बोला जाता है तो पिता को एक वटवृक्ष की तरह बच्चों की देखभाल भी करता है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर फादर्स डे का उपलक्ष मनाया जा रहा है। ये फेस्टिवल की तरह से नवयुवक मनाते हैं, जिसमें वो अपने माता पिता को पूर्ण रूप से उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसके बारे में आज हम करोलबाग में आए हुए हैं और बात करेंगे उन कुछ छात्रों से जो अपने पिता के बारे में कैसी भावना रखते हैं, उनसे उनके विचार साझा करेंगे। आपका क्या नाम है? हर्षिता उपाध्याय। क्या करते हो आप? मैं अभी मैंने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया है, तो अभी स्टार्ट करना है, एक मेडिकल MBBS स्टार्ट करना है। जैसे आपको पता होगा फादर्स डे है, हाँ जी। आपके लिए आपके फादर कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं? मेरे लिए एक्चुअली मैं बचपन से पापा के साथ रही नहीं, मेरे पापा बाहर पोस्टेड थे, तो जब भी आते हैं हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं या कुछ घर पे ही दिला के जाते हैं, तो पापा मतलब पार्टी, पापा इज इक्वल टू पार्टी मेरे लिए। इसलिए पापा नहीं रहते हैं तो उनकी बहुत याद भी आती रहती है कि जब वो आएंगे हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे। हमेशा पापा को हम देखते हैं कि पहले हम लोग अपनी लाइफ में पुट करते हैं, अब कितनी सैक्रिफाइसेस करते हैं हम लोगों के लिए। तो और आज मुझसे थोड़ा सा गुस्सा भी है, तो मैं उनको सॉरी कहना चाहूँगी। हैप्पी फादर्स डे पापा। आपका क्या नाम है? रुंजन उपाध्याय। रुंजन क्या करते हैं आप? मैं क्लास 11th में हूँ और मैंने अभी 10th दिया था, और मैं अपने मेरे फादर मेरी स्ट्रेंथ है। बहुत मेन स्ट्रीम है कि सब लोग अपनी मदर्स को मतलब बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है मदर्स के ऊपर, बट अकॉर्डिंग टू मी फादर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो फादर का जो एक रोल होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए। आमतौर पे कहा जाता है कि पापा जो होते हैं गुस्से वाले होते हैं। नहीं, मेरे पापा मम्मी के प्यार में क्या अंतर होता है? नहीं, मेरे में उल्टा है, मेरे पापा गुस्सा नहीं करते, मेरी मम्मी गुस्सा करती है। नहीं, मिस ही इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। ओके, बेस्ट फ्रेंड। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि पापा जो है उनके बेस्ट फ्रेंड की तरह, आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे और देखते हैं उनकी क्या राय है। आपका शुभ नाम? हर्षित उपाध्याय। हर्षित क्या करते हो आप? 11th में हूँ। 11th में करते हो। पापा आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट लगते हैं? पापा तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं। गुस्सा करते हैं पापा आपके? नहीं, गुस्सा ना मम्मी करते ना पापा करते उतने। पापा की दो ऐसी चीजें बताओ जो आपको पसंद है। पापा की वो बिना कुछ कहे कुछ भी दिला देते हैं, मतलब बोलो वाला कुछ अच्छा वाला ढंग का बोलो अगर कुछ दिला देते बिना कुछ कहे, और दूसरी मतलब वो फालतू का गुस्सा नहीं करते कर रहे हैं जैसे कभी, तो बहुत सही रहते हैं वो। लाइफ में क्या एम है आपका? लाइफ का एम इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनने के बाद जो आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगी वो पापा को दोगे मम्मी को दोगे? नहीं, मैं वो सैलरी तो सेव करूंगा, वो उनको घर दिलाना है। देखा आपने, बच्चे कह रहे हैं कि सैलरी मिलेगी तो इसे माँ बाप को घर दिलाना है। कहीं ना कहीं देश के युवाओं के अंदर माँ बापों के लिए बहुत ही स्नेह भी है। कैमरा पर्सन सतीश वर्मा के साथ कपिल कुमार, डायनामाइट न्यूज़ दिल्ली के लिए।